हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु में बने रहे, आड़े और खड़े रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करें सभी लोग और प्रभु का धन्यवाद करें, जो कि प्रभु ने हमें दूसरे दिन दिसंबर के दूसरे इस मंथ के जो ब्लेसिंग मंथ के दूसरे दिन भी परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। सुबह से लेकर अभी तक हमें संभाला है तो आगे भी संभालेगा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वो हमारा छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला और मुहैया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अद्भुत और चमत्कार के काम किए हैं, कितने लोग जानते हैं। हालेलुया, कि सबसे पहला चमत्कार परमेश्वर ने जो किया था वो पानी को दाखरस बना दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहे। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर चमत्कार नहीं करता, वो पहले जमाने में किया करते थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु अब भी आज भी वो चमत्कार करते हैं, प्रभु आज भी चमत्कार करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। आप कितने लोग हैं जो प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु का धन्यवाद हो। चमत्कार उन्हीं को मिलता है जो विश्वास करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु पे विश्वास करें। हालेलुया, क्योंकि विश्वासी किसे कहा जाता है? जो विश्वास करता है। तो आप कौन हो? आप विश्वासी हो। अविश्वासी में भी दो कैटेगरी आते हैं, एक नाम का विश्वासी और एक खरा विश्वासी। खरा विश्वासी का मतलब पक्का विश्वासी, जो कि किसी भी हालत में भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता है, तो उसे कहते हैं पक्का विश्वासी, खरा विश्वासी। जो कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, कितनी भी उस परेशानी से होकर गुजरता है, लेकिन तब भी परमेश्वर के रास्ते से टस से मस नहीं होता, चाहे उसे हानि भी उठाना पड़े, चाहे कितने बड़े बड़े ऑफर आए और कहें कि तू परमेश्वर के रास्ते को छोड़ दे, चाहे कितने बड़े लालच भी उसके सामने आ जाए और कहें कि चल तू दूसरे रास्ते में, चल ये रास्ते को छोड़ दे, लेकिन तब भी वो प्रभु में बने रहता है, तब भी वो परमेश्वर के रास्ते को नहीं छोड़ता, तो उसे कहते हैं खरा विश्वासी और पक्का विश्वासी। दो तरह के विश्वासी, नामधारी जो सिर्फ नाम के हैं, जो बस वचन एकांत सुनते दूसरी ओर से निकाल देते हैं, तो वो अपने जीवन में चमत्कार नहीं, वो लोग अपने जीवन में चमत्कार को देखते हैं जो प्रभु के साथ क्या है, जो प्रभु के साथ बंधे रहते हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो पक्का विश्वासी, खरा विश्वासी कैसे होते हैं? वो प्रेम से, जब हम वो प्रेम, जब हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ एकदम स्ट्रांग होता है, संबंध होता है, रिलेशन प्रभु के साथ, तो कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, चाहे कष्ट हो, अकाल हो, मुसीबत हो, दुख हो, तकलीफ हो। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़े और ज्यादा से ज्यादा पढ़े, रोज पढ़े, रोज पढ़े, तब आप प्रभु में बने रहोगे, कोई आपको भरमाने नहीं पाएगा उस वचन के साथ। भरमाने के लिए बहुत तरीके के लोग आएंगे और आपको वचन से भरमाएंगे। शैतान बहुत चलाक और करता हलाक है, वो चाहता है कि अरे ये तो प्रभु के रास्ते में पक्का होते जा रहा है, इसको मुझे गिराना है, इसको परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर करना है, ताकि वो प्रभु का मुख को ना देख सके और किसी और जगह चले जाए। ये चाहता है, उसे पता है उसको किस तरीके से इस विश्वासी को गिराना है, उसको पता है उसकी कमजोरी के बारे में, तो वो उसी तरीके से काम करता है। तो आज क्या है, विश्वासी लोगों के जीवन डावाडोल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो प्रभु में बने नहीं जा पा रहे हैं। वो बीमारी की वजह से भी हो सकता है, वो फाइनेंस को लेके हो सकता है, नौकरी काम बिजनेस की वजह से हो सकता है नहीं चलती, तो फिर कोई ऐसी चीज आते हैं तो परमेश्वर के पास आपको भटकाने के लिए, दूर करने के लिए आता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। बहुत लोगों के जीवन में ऐसे आते हैं, वो भटक जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं भटकते, वो लोग नहीं जाते जो प्रभु से सचमुच में प्रेम करते हैं, और कितना भी कोशिश करें प्रभु के रास्ते से दूर लेके जाने के लिए वो कभी भी नहीं जाते, चाहे हानि भी उठाना पड़े। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे काम में हो वो। और एक और बात, पवित्रता। हालेलुया, प्रभु चाहता है, प्रभु चाहते हैं कि जैसे वो पवित्र, हम वैसे ही पवित्र बने रहे, तो पवित्रता में भी गड़बड़ी डालने की कोशिश करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जिस तरीके से मनो का बिजनेस हमारा काम है, मैं आपको पहले भी बताया था कि इसमें भी एक क्लाइंट था, वो कहता था कि आपको जो मैंने काम किया था उसका वो पैसा नहीं दे रहा था, जो हमने काम किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस था, लेकिन वो कहता है, वो उसने पहले बोला कि इतना मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं मना ही कर दी। इसके बाद कहता है कि आप ऐसे ऐसे काम करोगे, मतलब गलत काम करने के लिए, तो मैं आपको उसका दुगना पैसा दूंगा। तो मैंने बोला ना मुझे अपना ही पैसा चाहिए, ना तो मुझे तेरा वाला पैसा चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु के पीछे चलने के लिए, पवित्रता के रास्ते में चलने के लिए हमें क्या करना पड़ा? अपना जो हमने काम किया था उसको भी हमने क्या करना, हानि उठाना पड़ा, लेकिन प्रभु के रास्ते में चले तो इसे कहते हैं प्रभु के प्रेम में बने रहना। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। पैसों के लिए अपने जीवन को नहीं बेचना, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आज कई लोग ऐसे हैं जो पैसे के खातिर जो प्रभु को छोड़ देते हैं, पैसे के खातिर
अपना जीवन को नाश कर देते हैं पैसे के खातिर, उनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं परमेश्वर के प्रति, कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो सोचो ऐसे लोग परमेश्वर के सामने क्या कैसे चेहरा दिखाएंगे, कैसे अपने मुख को दिखाएंगे, जो आज प्रभु को छोड़ चुके हैं, आज किसी और रास्ते में चले जा चुके हैं, जो प्रभु को दुख देते हैं, सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं, नाम मात्र के प्रभु के मानने वाले जानने वाले रह गए हैं। तो ऐसे लोगों पर भी परमेश्वर का प्रकोप भरता है, परमेश्वर फिर से कोड़े लगाता है ताकि वो वापस आए। परमेश्वर क्या करता है, फिर कोड़े लगाता है, जबरदस्त रीति से लगाता है ताकि फिर वो वापस आए। कई लोग ऐसे प्रभु को जानने के बावजूद भी ढीठ होकर बैठे हुए और वो आना नहीं चाहते प्रभु में, इसलिए फिर परमेश्वर कोड़े लगाता है, उसको वापस लाता है। जैसे बाप अपने बेटे को डांटता है, मारता है यदि गलत रास्ते में जाता है, कोई उसको ऐसी चीजें नहीं देती जिससे वो भटक जाए, रास्ता भटक जाए। इसलिए प्रभु भी जब हम कोई भी चीज जिद्दी करके मांगते तो हमें जल्दी नहीं देता, थोड़ा लेट होता है, सही समय पर देता है ताकि हम भटक ना जाए प्रभु के रास्ते से, इसे धीरज धरे रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। तो वही चमत्कार को देखेंगे अपने जीवन में जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं। तो कितने लोग आज से प्रभु के पीछे चलोगे, यदि प्रभु को छोड़ दिए थे, और आज कितने लोग फिर से परमेश्वर के पीछे चलोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू शराब ना पी, तू चोरी ना कर, तू झूठ ना बोल, तू किसी के घर का लालच ना कर, तू चुगली की बात मत कर, तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, तेरे मुंह से कोई मजाक की बातें ना निकले, तेरे मुंह से कोई इधर उधर की बातें ना निकले। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, तू झूठ मत बोल, तू व्यभिचार मत कर, तू इधर उधर मत जा, तू मूर्ति पूजा मत कर। लेकिन आज जो वचन से बात करते हैं कि ये ना कर वो ना कर, वही आज कामों को कर रहे हैं और प्रभु को दुख दे रहे हैं। इसलिए आज हमारे जीवन में वो आशीष बनी नहीं रहती है और चमत्कार को देख नहीं पाते हैं। तो यदि आप चमत्कार को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दे। नामधारी विश्वासी नहीं बल्कि खरा विश्वासी होकर बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को धन्यवाद। और परीक्षाएं हमारे जीवन में नेक्स्ट लेवल को लेकर जाने के लिए आती है, ताकि और आशीष को पाने के लिए वो आती है। जिस तरीके से अय्यूब के जीवन में आशीषें थी, सब कुछ था, लेकिन वो आई, परीक्षाएं आई और अड़े रहा, खड़े रहा, सब कुछ बने रहा प्रभु में, और उसके बाद उसे दुगुना भाग से आशीष मिला। उसी प्रकार दुगुना भाग से प्रभु आशीष देना चाहते हैं, वो परीक्षाएं हो, कुछ भी हो, आपको प्रभु में बने रहना है, बने रहना है, तो प्रभु आपको दुगुना भाग से आशीष करेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझे दुगुना भाग से ब्लेस किया है, प्रभु ने मेरे जीवन में सब कुछ ब्लेस किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबसे बेसिक की बात तो ये है कि हमारे जीवन में बहुत ऐसी परिस्थिति आई डगमगाने की, प्रभु से दूर जाने की, लेकिन तब भी प्रभु में बने रहे, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि प्रभु में बने रहना, सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है। हालेलुया। ये सब चीज तो मिल जाती है, लेकिन ब्लेसिंग क्या है? प्रभु में बने रहना, अड़े खड़े रहना, हमारा मन परमेश्वर से जुड़े रहना। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। बहुत लोगों को देखा है कि प्रभु को छोड़ दिए, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही यही है। बाकी जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो वो तो खुद ब खुद मिलती जाती है। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति। यदि तुम परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करोगे तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेगी, प्रभु का वचन कहता है। तो सब कुछ आपको पीछे पड़कर मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो अपने खोया है प्रभु आपको वापस देंगे, जो आपके जीवन में जो आपको चाहिए था प्रभु आपको जरूर वापस देंगे। सब कुछ आपके जीवन में मिलेगा, सब कुछ परमेश्वर जरूरतों को पूरा करके देगा। परमेश्वर को अपने बच्चों के बारे में पता है कि आपको क्या चीज की जरूरत है, प्रभु वो सब कुछ आपके जन्म मुहैया करके देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज शाम के समय पिता परमेश्वर हर एक जन को मैं प्रभु यीशु के नाम में कवर करती हूँ। प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए, प्रार्थना करने का आत्मा देना पिता परमेश्वर, की मर्जी करने की मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर, और नामधारी विश्वासी नहीं बल्कि खरे और पक्के विश्वासी बनने के लिए मदद कर, सहायता कर, पहला प्रेम से भर दो, वो पहला प्रेम से भर दो पिता परमेश्वर, प्रभु जी अगापे लव से भर दो, अनकंडीशनल लव से भर दो पिता परमेश्वर, जिससे कोई क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल कुछ भी आए इनके जीवन में, वो कोई भी परमेश्वर आपके प्रेम से कोई अलग ना कर सके। चाहे कितना भी बड़ा फाइनेंस में ऑफर लेकर आए, पैसे के लालच लेकर आए, लेकिन तब भी हम तब भी जो लोग हैं पिता परमेश्वर, परमेश्वर से दूर ना जाने पाए, चाहे हानि भी उठाना पड़े, तब भी परमेश्वर आपसे दूर ना होने पाए पिता परमेश्वर, मदद कीजिए, सहायता कीजिए लॉर्ड जीसस प्रभु, दया कीजिए आपके पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। प्रार्थना करते जो रास्ता भटक चुके हैं, जो पीछे हट चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ वो विश्वासी फिर से वापस आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु मदद करो, विश्वास वाला जीवन दो पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, आपके लहू में कवर करती हूँ प्रभु जी, मदद करो, सहायता करो। जो भी गलती की आप की सबसे माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर, अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र साफ कर दीजिए। जितने भाई बहन बीमार है, मैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हूँ, ज्यादा हर एक बीमारी को डांटती हूँ,
चाहे थायराइड हो, चाहे आप पंप लेते हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो, माइग्रेन की समस्या हो, गले में दर्द हो या फिर कोई बीमारी हो, मैं प्रभु यीशु के समर्थन नाम में डांटते जाता हूं चंगी हो जाए। आपके दांतों के दर्द, आपके मसूड़ों के दर्द, आपके यदि अल्सर है, यदि छाला है, मैं डांटते यीशु के समर्थन नाम में जाता हूं चंगी हो जाए। प्रार्थना करते जो पैरालाइज है, प्रभु यीशु के समर्थन नाम में जाता हूं चंगी हो जाए। हालेलुया, जिनका फुट पाइप लगा हुआ जाता चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु के समर्थन नाम में जो वेंटिलेटर में है और जो लोग, हालेलुया, जो वेंटिलेटर में जो हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रभु यीशु के समर्थन नाम में डांटते जाता चंगे हो जाए। बीटी लिबर्टी द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। ओ रवंका तुरड़ बतरी के तिरड़ बशरला बका तिरड़ बतरी के तिरड़ बतरा, प्रभु यीशु के समर्थन नाम में जाता। जितने छोटे बच्चे हैं, मैं प्रभु यीशु के समर्थन नाम में जाता चंगे हो जाए। जो जन्म से बीमार है, प्रभु यीशु के समर्थन नाम में बीटी लिबर्टी द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। जिनके दिल में छेद है, मैं प्रार्थना करती हूं वो भर जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करते जाता चंगे हो जाए। हालेलुया, प्रभु यीशु के समर्थन नाम में जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो कुछ नहीं कर सकते वो करने पाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु के समर्थन नाम में सुनने पाए यीशु के समर्थन नाम में। आपकी आंखों की रोशनी वापस आए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती सर्वाइकल की प्रॉब्लम, चाहे नस की प्रॉब्लम हो, कमजोरी हो, दर्द हो, यीशु के समर्थन नाम प्रकार के दर्द को डांटती हूं, हर प्रकार की घावों को डांटती हूं यीशु के समर्थन। आपका घाव चंगा हो चुका है, प्रभु यीशु के समर्थन आपका घाव सूखने लगे, जो पस निकलता वो बंद हो जाए, सूखने लगे यीशु के समर्थन नाम में। जिनको शुगर बीपी की प्रॉब्लम है, मैं डांटती हूं यीशु के समर्थन नाम में, बीपी कंट्रोल इन द मैचिंग ऑफ जीसस का है, आजाद चंगे हो जाए। आपके गले के दर्द, आपके पैर के दर्द, आपके हेडेक, आपकी हर तरह की शोल्डर के दर्द, आपके कोहनी के दर्द, आपके घुटने के दर्द, आपकी एड़ी के दर्द, यीशु के समर्थन नाम में जाए इन द मैटर ऑफ जीसस का है। मैं प्रार्थना करती हूं जिनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बी डिलीवर्ड इन द मैटर ऑफ जीसस का है। आपकी स्किन में एलर्जी है, खुजली होती है, इचिंग होती है, या फिर कोई और भी अलग तरह का जो स्किन की प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थन नाम में डांटते हैं, बी डिलीवर्ड इन द मैटर ऑफ जीसस का है। प्रभु चंगा करते, छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती हूं हर एक जन को। प्रभु यीशु जी, मैं आपके लहू में कवर करती हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूं, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनिए, मैं धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूं आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपको जॉब और काम से ब्लेस करती हूं। जितने लोग कर्ज में दबे वो फंसे यीशु के समर्थन में रिलीज करते, कर्ज से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूं, आपके छोटे से लेकर बड़े बिजनेस आशीषों का बदल जाए, आपको वीजा का रास्ता क्लियर हो, आपको वीजा के साथ ब्लेस करती हूं, नौकरी के साथ ब्लेस करती हूं, आपका परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करती हूं यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। जो कोई डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है, कोई इंपॉर्टेंट, मैं प्रार्थना करती हूं वापस मिलने पाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं एक एक जन को। मैं प्रभु यीशु के नाम में कवर करती हूं मसीह के समर्थन नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूं। मैं प्रार्थना करती हूं जिनका केस चल रहा है, यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं और अब जीतेंगे यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जितने छोटे बच्चे, सबको यीशु के नाम में कवर करती हूं। जो नशा करते हैं, यीशु के समर्थन नाम में हर नशे की आत्मा, हर एक नशे की स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूं। आपका जॉब सुरक्षित करती हूं, शिकिलो में कवर करती हूं। ये दिसंबर महीना ब्लेसिंग्स का मंथ है और भरपूरी की आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रभु को प्रार्थना करने के लिए आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे। हालेलुया, प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए, पक्के विश्वासी, खड़े विश्वासी होकर बदल जाए यीशु के समर्थन नाम में। श्योर है आप अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे, चमत्कार को देखेंगे यीशु मसीह के समर्थन नाम में। प्रभु सारे प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूं। हर एक कष्ट से आजाद हो जाए प्रभु यीशु के समर्थन नाम में। आपके जीवन में प्रभु भरपूरी की आशीष देने जा रहा है, रिसीव करें यीशु के समर्थन नाम में। आपके हस्बैंड वाइफ के जीवन को ब्लेस करती हूँ, हर एक शक, हर एक लड़ाई झगड़ा को प्रभु यीशु के समर्थन नाम में डांटती हूँ, माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए। जब दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। वी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। आपके परिवार को यीशु के नाम में कवर करती, सुरक्षित करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु अब जल्द आने वाले स्थल तैयार कीजिए, सारे भाई बहनों को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर आपके आगमन के लिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है, आप प्रेयर सेंटर में विश्वास के साथ प्रार्थना करवाएं। और गवाही देने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, विश्वास गवाही वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप गवाही को आप जरूर भेजें व्हाट्सएप नंबर में, तो आपकी गवाही को हम यूट्यूब में शेयर करेंगे, ताकि दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त कर सके अपने जीवन में। आप अपने भेंट, आपका जो टाइट है, कमाई का दसवां हिस्सा है, आप
जो प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जो आप 10% देते प्रभु को 100 गुना वापस करेगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आप ऑनलाइन पेमेंट के, ऑनलाइन जो पेमेंट है उसके थ्रू दे सकते हैं, जैसे कि हो गया गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के थ्रू और बैंक के थ्रू भी दे सकते हैं। प्रभु में सदा नहीं देते इस मिनिस्ट्री के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन को शेयर कर सके, लोगों को बचा सके और हमेशा के राज्य के लिए हम सिद्ध बना के उपस्थित कर सके। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, हालेलुया।